हो चुका है, और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके अपना प्रोजेक्ट ले सकते हैं। और यहाँ पर फिल्मोला क्लाउड दिया हुआ है, और सारा यहाँ पर AI वीडियो एडिटिंग, टेक्स्ट वीडियो एडिटिंग, बहुत सारा यहाँ पर। हेलो एवरीबॉडी, बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट आ रहा था कि Part 3 पर वीडियो बनाए। हम पिछले वीडियो में बताए हुए थे अपने कंप्यूटर अनबॉक्सिंग के बारे में, इनके बारे में, और जब हम इसको नए नए खरीदे हुए थे तो इसके Part 3 के बारे में कॉमेंट आ रहा था। तो चलिए हम इसके बारे में वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे और उनके बारे में बताएंगे एडिट करने के लिए थोड़ा बहुत प्रोसेस। तो इसको एडिट कर डाउनलोड करने के लिए हम अपने किसी भी ब्राउजर पर आ जाएंगे। चलिए जैसे देख सकते हैं हम अपने ईटेक ब्राउजर पर आ चुके हैं। अपने ब्राउजर पर आने के बाद इसमें हम सर्च करेंगे फिल्मोरा सॉफ्टवेयर। फिल्मोरा सॉफ्टवेयर सर्च करने के बाद कुछ ऐसा पॉपअप आएगा जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर डाउनलोड पर क्लिक करके इसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद हमारे डाउनलोड हिस्ट्री में फाइल में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं फिल्मोरा सेटअप फाइल डाउनलोड हो चुका है। आने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे और रन एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे और यस करेंगे, और हमारा सॉफ्टवेयर रन होना स्टार्ट हो जाएगा। और तो हम इसको इंस्टॉल प्रोसेस कर चुके हैं और हमारी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। हम इसको ऑन कर आपको दिखाएंगे किस तरह से वर्क कर रहा है। देख सकते हैं ये हमारा होम पेज खुल चुका है, और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके अपना प्रोजेक्ट ले सकते हैं। और यहाँ पर फिल्मोला क्लाउड दिया हुआ है, और सारा यहाँ पर AI वीडियो एडिटिंग, टेक्स्ट वीडियो एडिटिंग, बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। इसको यूज कर हम अपने और अधिक वीडियो एडिट कर सकते हैं। हम न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर मीडिया, ऑडियो, ट्रांजेक्शन इफेक्ट, फिल्टर आदि बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। हम मीडिया पर क्लिक करेंगे और इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, और हम अपने ब्राउजर से किसी भी वीडियो को इंपोर्ट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर एक वीडियो इंपोर्ट कर चुके हैं, और यहाँ से एडिट करने के लिए इसको यहाँ से टाइमलाइन, इसको बोलते हैं टाइमलाइन पर, इसे राइट ऐसे क्लिक कर इस सॉरी राइट क्लिक नहीं इस क्लिक कर और घसीट कर यहाँ पर ले आएंगे और हमारा वीडियो आ जाएगा। और इसको एडिट करने के लिए यहाँ से बहुत सारे टूल दिया हुआ है, इसके बारे में आप अधिक जानकारी लेकर इसको सीख सकते हैं। और यहाँ हमारा आ चुका है इफेक्ट पर क्लिक करके, जहाँ पर जिस इफेक्ट को लगाना चाहते हैं उसे राइट क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके लाएंगे और ऑन करेंगे। जैसे कि हमारे देखिए वीडियो में इफेक्ट लग गया, एक ही वीडियो 9 फ्रेम में चल रहा है। और इसको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आकर इसको लॉगिन कर भी सकते हैं, नहीं किए भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन दे रहा है और इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट आ रहा था, उनके लिए यह वीडियो बन चुका है। हम अगले नेक्स्ट वीडियो Part 4 बनाएंगे, उसमें गेमिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको बताएंगे, और उसमें थोड़ा बहुत उसके परफॉर्मेंस और के बारे में बताएंगे। ये हमारा PC कैसा चल रहा है, इसे हम Flipkart से बाय किए हुए थे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको देख सकते हैं कि 15,000 के आसपास का यह कंप्यूटर है, यह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के साथ चल रहा है। हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यह वीडियो, ताकि वो 15,000 के आसपास के कोई भी Flipkart से कंप्यूटर डायरेक्ट बाई करना चाहते हैं तो वो बाई कर सकता है। इसमें कोई भी प्रकार की खराबी नहीं है, न कि